इतने सीनियर सांसदों का बीच में टोका टोकी करना ना आपकी उम्र के लिए अच्छा है ना आपकी सीनियोरिटी के लिए अच्छा है। माननीय एक बहुत सारे सदस्यों का सुझाव आया हो गया भैया, आगे मेरा पूरा भाषण समाप्त होने के बाद आप कुछ कह सकते हैं। माननीय जहां तक कानून का सवाल है, ढेर सारे लोगों ने कहा, दादा ने कहा कि इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, किसी ने कहा कि इसको कठोर बनाना चाहिए। मैं भारत सरकार की नीति बहुत स्पष्टता से इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं। जो दादा आपको भाषण करना है तो मैं बैठ जाता हूं, 10 मिनट बोलिए। इतने सीनियर सांसद होकर बीच में टोका टोकी करना ना आपकी उम्र के लिए अच्छा है ना आपकी सीनियोरिटी के लिए अच्छा है। मैं बैठ जाता हूं, आप भाषण करिए 10 मिनट प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, हर बार नहीं करनी चाहिए, विषय की गंभीरता को समझना चाहिए तो बोले नहीं होते। क्रोधित नहीं होता हूं भैया, समझाता हूं। कई बार समझाना पड़ता है बड़ों को भी। माननीय जहां तक कानून का सवाल है, मैं इस सरकार की नीति को बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। जो ड्रग का सेवन करते हैं वो विक्टिम है, उनके प्रति सहानुभूति का रवैया होना चाहिए और पुनर्वसन की तैयारी और पुनर्वसन की कानूनी प्रावधान होने चाहिए। परंतु जो ड्रग का व्यापार करते हैं, इसकी तस्करी करते हैं, इसको नीचे तक पहुंचाते हैं, वो चाहे छोटा हो या बड़ा, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको कानून के सिकंजे के अंदर लाना चाहिए। ये भेद अगर हम नहीं करते हैं तो कभी कभार हम विक्टिम के साथ ही दुर्व्यवहार करेंगे। जो बच्चा इसमें फंस गया है, जो युवा फंस गया है, उसको वापिस आने के लिए और समाज इसको फिर से स्वीकार ले, इस प्रकार का सामाजिक माहौल बनाने की भी हम सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। माननीय सरकार की तो है ही, जैसे पाटिल साहब ने कहा, व्यसन मुक्ति केंद्रों से लेकर इनके रिहैबिलिटेशन सेंटर से लेकर सारी चीजें बहुत बनाई गई, मैं बताऊंगा आगे। परंतु एक सामाजिक वातावरण भी हमने तैयार करना पड़ेगा कि जिसने ड्रग ले लिया वो खराब है, ऐसा नहीं है। इसको फिर से समाज के अंदर पुनः प्रस्तापित सम्मान के साथ करने के लिए, एक सामाजिक माहौल बनाने के लिए भी सभी सांसदों ने साथ में मिलकर प्रयास करना पड़ेगा।